धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने जो आनंदपुर साहब नगर वसाया ना, पहला पातशाह कई महीने दुआबे में एक नगर है उन्होंने चक गुरु कहिंदे ने, वह भी गुरु तेग बहादुर महाराज ने वसाया है। उत्थे साढ़े सत साल साढ़े सत महीने गुरु तेग बहादुर साहब रहे। फिर पातशाह चले गए पहाड़ी इलाके, एक माखोवाल का इलाका है जिन्हों माखोवाल दैंत, माखो दैंत के नाम उत्ते जगह सी। पातशाह ने उत्थे राजा तारा चंद की राणी नूं मिले। वह राजा तारा चंद जिन्हों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने ग्वालियर के किले विचों छड़ाया सी, 52 राजों विचों राजा तारा चंद। उहदी राणी ने दुशाले भेंट किए, पातशाह नूं नमस्कार की, महाराज तुहाडे पिता धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने मेरे पति नूं बचाया सी, तां मेरे पुत पोतियां दा राज कायम है। पातशाह दसो की चाहिए। गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा, सानू नगर वसाउण लई जमीन का टुकड़ा चाहिए, पर महाराणी असी वह मुफ्त में नहीं लेना, पैसे तार के लेने। क्यों? पता सी जे उंज जमीन लई राजे लोग बाद में फिर दावा कर लग पैंदे। नौवें पातशाह ने माया तार के वह माखोवाल दैन की पहाड़ी वाली जगह खरीदी। उत्थे पातशाह ने नगर वसाया, अपनी माता के नाम उत्ते पहला नाम रखा चक नानकी। किन्ना समा उस नगर नूं चक गुरु चक नानकी कहिंदे रहे। साध संगत वक्त आया, वह नगर का नाम माखोवाल भी पै गया, चक नानकी भी रहा। एक वक्त आया जिदन उस नगर का नाम श्री आनंदपुर साहब पिया। और धन गुरु तेग बहादुर महाराज उस जगह उत्ते जदों पातशाह ने घर बनाए, महल उसारने शुरू किए, उदों साध संगत तीन महीनों विच ही पातशाह ने वड्डे वड्डे महल छन्ना पहाड़ियां घर बना दिते। उहदे उत्ते जदों पातशाह का सुंदर महल बन गया, अज कदे आनंदपुर साहब जायो केसगढ़ साहब की पहाड़ी तो भोएं उतर के सज्जे हथ गुरु का स्थान है जिथे पातशाह का घर सी। जदों गुरु तेग बहादुर महाराज ने नगर वसाया, घर बन गए, उच्ची पहाड़ी तो जोगी उतर के रोपड़ के इलाके आते, रस्ता पिंडां चो कठियां करके फिर पहाड़ ते चढ़ जाते। कई महीनों बाद कुछ जोगियों का टोला अज रोपड़ के इलाके च रस्ता मंगण आया। जदों पहाड़ी उतरे पिंड वसया वेख के हैरान हो गए, तीन महीने पहला कुछ भी नहीं सी, तिना महीनों पिंड किवें वस गया, ये किने वसाया। लकड़ा वढ़ दे एक सिख नूं पुछिया, उहदा नाम भाई दयालदास आया जिहड़ा बाद विच गुरु तेग बहादुर महाराज नाल शहादत दिंदा जा। दयालदास नूं लकड़ां वढ़दिआं पुछदे ने जोगी, भाई इह महल कौण बना रहा है, नगर कौण वसा रहा है? उन्हें कहा गुरु नानक साहब की नौवीं जोत धन गुरु तेग बहादुर साहब। एक जोगी वड्डी उम्र का हस के मुखालो उड़ा के कहिंदा, जां तां उह गुरु नानक की जोत नहीं, ते जे गुरु नानक की जोत है उन्हूं महल बनाउण दी की लोड़ है। गुरु नानक साहब ने घूम फिर के प्रचार करके उदासियां करके प्रचार किया है, एडे वड्डे महल पहाड़ी ते नगर वसाउण दी की लोड़ है? जां तां उह गुरु तेग बहादुर साहब नौवीं जोत नहीं है, जे नौवीं जोत है फिर पिंड क्यों वसा रहे ने? घूम के प्रचार कर नाम दा। तां भाई दयालदास ने कहा, इहदा जवाब तां गुरु दे सकदा है, वे नगर क्यों वसा रहे है? मेरे गुरु ने जिथे रहे उत्थे नगर वसाया है, गुरु तेग बहादुर साहब क्यों वसा रहे ने? इहदा जवाब तां गुरु दे सकदा है। वह जोगियां ने कहा, चल बई असीं लंघदिआं लंघदिआं तेरे नगर चों लंघांगे, तेरे गुरु कोलों पुछदिआं क्यों वसा रहे। शामां पै चुकियां सन, पातशाह का दरबार समाप्त होण लगा। भाई दयालदास ने कहा, महाराज जोगी आए ने, सवाल करते ने नगर क्यों वसा रहे हो? गुरु तेग बहादुर महाराज ने अदब नाल कहा जोगियां नूं, साध जनो प्रशादा पानी छको, रात रहो, कल सवेरे तुहानूं जवाब दवांगे नगर क्यों वसा रहे। जदों रात भोजन प्रशादा छक के सुते ना, सुत्यां पिया मौले शाह वह जोगी नूं दरवेश नूं सुपना आया। एक बेनती समझो, गुरु सुपने विच ही दुबधा दूर कर दिंदे, जे गुरु चाहे सुपने विच बंधन कट दिंदे, जे गुरु चाहे सुपने विच जन्म मरण मिटा दिंदे, ये गुरु की वड्याई है। पर याद रखियो, सुपना वह बनता है जो तुसी दिन दे वेले विचार सोचते हो। यह सत्संगत
अंग्रेज एक फिलासफर होया मिस्टर फ्राइड, उन्हें सुपने ते बहुत लंबी चौड़ी फिलासफी लिखी। उन्हें कहा कई कई साल, कई कई दहाके, कई कई जन्मों तो बाद चित विच चितवे होए फुरने एक दिन सुपने बन लग पैंदे। हो सकता है कई बार तुहानू इस तरह वापरेगा, सुपने वे तुसी उत्थे चले जांदे हो जिहड़ी जगह तुसी कदे गए नहीं, पर तुहानू उठ के ऐं लगदा वी उत्थे गया होया मैं कदे, जां किसी जगह उत्ते पहुंचो ऐं लगदा वी इत्थे पहले वी आया है। साध संगत सुपना वह कुछ आंदा जिहड़े बंदे कदे वेखे नहीं, क्यों? कई कई दहाके, कई कई साल, और हो सकता है कई जन्मों के चितवे चितवे हुए फुरने इस मन के नाल कदे अचेत मन में सुपना बन सकता है। इनू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने कहा जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हो आ स्या हो। जन्म जन्मों की मैल है, कई जन्मों तो चले हुए कर्म कई बार सुपने में चलते हैं, और जिन्हों विचार करोंगे सुपना नाल चलता है। जिन्हों छेती जिदा कल सोचे और नाल अगली रात सुपना बन जाए, ये समझो वह बंदा निर्मलताई दे नेड़े है। दरमेश मौले शाह बंदगी वाला सी, पर जदों गुरु तेग बहादुर साहब ते शक कीती, अज रात नू आनंदपुर साहब सुत्ता उन्हूं सुपना आ गया। सुपना की आया? गुरु ने सुपने में जवाब देना सी उन्हों। जदों सुपना आया, सुपने विचों जंगल विच घूमद है, मीहनेरी झक्खड़ गड़े पै रहे ने, गड़िया तो मीहनेरी तो बचा करन वास्ते एक दरख्तां दी बनी हुई झिड़ी विच लुक गया, जिन्हों घुरना कहिंदे ने। वह झिड़ी विच दरखत का ओट लिया वे, अजे मीह पैंदा है, गड़े पैंदे ने, अपने आप नूं बचाउण लई दरख्तां दी झिड़ी च वड़ गया। अजे मोले तहार मीह वरखा गड़े पै रहे ने, इन्ने नूं एक खूंखार शेर आ गया। जदों सामने शेर आया, हुण उह घुरने च लुकिया, झिड़ी च लुकिया, डरदा शेर खा जाएगा, पर शेर ने खाधा नहीं। शेर झिड़ी तो घुरने तो बाहर बह गया, पैंदे हुए गड़िया दे नाल शेर की मौत हो गई। इन्ने नूं बिजली लशकी, दिन चढ़िया, मीह हट गया। जदों बिजली का खड़ाक होया, उहदी जाग खुल गई। वह सोचदा मैं तो आनंदपुर साहब हाँ, मैं तो वह जगह ते जिथे गुरु तेग बहादुर साहब तो मैं सवाल पुछण आया सी। उठिया, आले दुआले वेख्या कुछ सिख जागे हुए ने, कोई इशनान करता है, कोई बाणी पढ़ता है, तो साध संगत इन्हें भी उठ के अपना पूजा पाठ किया। जदों अमृत वेले आसा दी वार दा दीवान सजा, मोहरे आके बह गया, चित विच जदों दीवान समाप्त होए मैं सवाल पूछना है। जिहड़ा गुरु सिखां नूं कहिंदा है जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, वह गुरु फिर महल क्यों बना रहे? जदों श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने दीवान समाप्त किया, पातशाह उठ के तख्त तो तुरन लगे, ये मौले शाह दरवेश योगियों नूं नाल लैके पहुंचया, बोलिया, कहना जी मेरे सवाल का जवाब तो दे दिओ, मेरे सवाल का जवाब तो दे दिओ। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज मुस्कुरा पे, कहिंदे मौले शाह जवाब तो राती सुपने विच ही देता तैनू, जवाब तो रात तैनू सुपने विच मिल गया। कहिंदा महाराज सुपने विच? कह लगे हाँ, जो राती तेरे नाल सुपना वरत्या, एक बार सारियां नूं सुना, तैनूं जवाब राती दे दिता सी। उन्हें सुपना सुनाया, कहिंदा महाराज राती मैं सुपने विच किसे जंगल विच कर गया, मीह नेरी झक्खड़ गड़े बारिश पैण लग पई, गड़िया ते मीह तो मैं बचा दी खातर एक झिड़ी विच घुरने छुप गया। इन्ने नूं मोहरे शेर आ गया, शेर ने मैनूं खाधा नहीं, क्योंकि वह झिड़ी वह घुरना शेर का घर से, वह शेर ने मैनू नहीं खाधा, बाहर बह गया, गड़े पै के शेर की मौत हो गई, बिजली लशकी, इन्ने नूं मेरी याद खुल गई, मैं वेख्या मैं तुहाडी नगरी विच आनंदपुर साहब। महाराज जवाब की मिलिया? श्री गुरु तेग बहादुर महाराज बोले, कहिंदे सुपने वे तू गड़िया तो बचण वास्ते अपनी जान बचाउण लई झिड़ी विच शेर दे घुरने च लुके है, ते शेर दे घुरने शरण विच आए नूं शेर ने खाधा नहीं, आप बाहर बह के गड़िया की ताप झल के वह शेर मर गया है, पर तेरी जान उन्हें बचा ली, तेनों नहीं खाधा। कहिंदे इस तों बाद बिजली लशकी, तेरी जा खुल गई, तेरा सवाल ये है जे गुरु कहिंदा जग रचना सब झूठ है तो महल क्यों बना रहे? जे गुरु कहिंदा सब कुछ झूठ है, यह महल यह घर क्यों बनाए जा रहे हैं, ये नगर क्यों सजाया है? कहिंदे सुन,
ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਇਸ ਲਈ ਵਸਿਆ ਮੌਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਤਾਂ ਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਦੀਨ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣਗੇ ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਾਂ ਕਟਾ ਲਏਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੂੰ। ਤਬ ਗੁਣ ਕਹਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰਾਂ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਸੈ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਐ ਜੋ ਜੰਬੁਕ ਗ੍ਰਸੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਆਏਗਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਦਣ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੀਸ ਭਾਵੇਂ ਲੱਥ ਜਾਏ। ਉਹੀਓ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਾਈ, ਜਿੱਦਣ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ 40 ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਢੱਠ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਛੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਭਾਵੇਂ ਲੱਥ ਜਾਏ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਖਲੋ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ, ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਧਰ ਪਈਐ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋਡੀਐ, ਵਾਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਐ ਸਿਰ ਦੀਜੈ, ਵਾਹ ਨਾ ਛੋਡੀਐ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 10th ਤੱਕ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ 10th ਪਾਸ ਕਰਕੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ 11th ਉਹ ਪਲੱਸ 1 ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 11 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਲੱਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਰਸ ਰੱਖਣੀ ਵੇਦ ਮੈਥ ਰੱਖਣਾ ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਆਰਟਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਵੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗਿਣਾ ਦਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਗੁਰੂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ, ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ, ਭਰਮ ਪੋ ਖੋਵਣਾ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਤਾਗੀਦ ਪੱਗ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਣਾ। ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸਬਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਜਣੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਵਕਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂਕਾਂ, ਉਹ ਚੌਂਕ ਦੇ 3 ਖੁੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਿੱਖ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖੁੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ, ਉੱਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ,
औरंगजेब बादशाह ने कहा किसे सिख नूं डलाउण दी तरतीब लभो, ते काजी नूं कह के तोरिया, ओ भाई मती दास नूं कह के आ, उहदी जान बख्श दिंदे आ। कह के आ भाई मती दास नूं, जिन्ना उहदा वजन है शरीर दा इन्ना तोल के सोना दे दांगे उहनूं। जा कह के आ मती दास नूं, तैनू लाहौर का सूबेदार, पंजाब का गवर्नर बना देंगे, तैनू राज भी दिता, सोना भी दिता, जान भी बख्शी, बदले च एक गल तो कहा दे। आ गया काजी, चौरस्ते खलो के कहिंदा मती दास तेरे ते औरंगजेब बादशाह बड़ा खुश है। इनू नीति कहिंदे ने, सिखां नू नीति पढ़नी चाहीदी है। ये दसवें पातशाह के 52 बचन ने, इनू नीति कहिंदे ने, तुहानू किवें प्रेरिया जांदा। औरंगजेब बादशाह तेरे ते खुश है। औरंगजेब बादशाह कहिंदा कल्ले मती दास दी जान बख्श दिओ। औरंगजेब बादशाह कहिंदा मती दास दा वजन तोल के सोना दे दिओ। औरंगजेब बादशाह कहिंदा मती दास नूं पंजाब दा सूबेदार, लाहौर दा गवर्नर ला दिओ, पर बदले विच तैनू एक गल कहनी पैनी है। मती दास पुछदे ओ कहड़ी, ते काजी बोलिया कहिंदा गुरु तेग बहादुर महाराज वल उंगल करके कह, मैं गुरु तेग बहादुर साहब की सिखी छड़ी। इन्नी गल सुन के भाई मती दास रोह विच आ गए, उच्ची वाज बोले, ओए काजी कह दे औरंगजेब नूं, मती दास की जीव तो चीरी जा सकती है, पर यह जीव तो यह नहीं मैं कह सकता गुरु की सिखी छड़ी। मेरी जीव जुबान चीरी जा सकती है, पर जुबान तो तुसी ये नहीं अखवा सकते मैं गुरु की सिखी छड़ी। ताइयों सीस ते आरा रख के गब्बियों चीरिया, जीव चीरी गई, पर जुबान तो अखवा नहीं सके कि गुरु की सिखी छड़ी। पता क्यों? दोनों तन ते जप जी पढ़े, देखत सब को आश्चर्य बढ़े। जेड़ा सिख जप जी नाल प्यार पा ले सज्जनों, उहदा जमीर चीरिया नहीं जा सकता, उहदा शरीर चीरिया जा सकता। भाई मती दा साहब ने ठोकर मारी, ते काजी बोलिया कहिंदा तैनू असी सोने नाल तोल रहे सी, तैनू राज दे रहे सी, तेरी जान बख्श रहे, तू सिखी नहीं छड रहा, तैनू गुरु तेग बहादुर साहब ने की दिता है, तैनू पिंजरे च बंद गुरु तेग बहादुर साहब ने की दिता है। ते जवाब सुनियो, कहिंदे जेड़ा सुख मैनू गुरु की सेवा चो मिलिया, काजी साहब कह दे औरंगजेब नू, राज गद्दियां ते बह के वह सुख नहीं जेड़ा गुरु की सिखी ते सेवा विच सुख है। वह राज गद्दियां ते बह के सुख नहीं मिलता। भाई मती दास साहब ने पढ़ के सुनाया, फिर कहिंदे हमरा धन माधो गोविंद धरणी धर, यह सार धन कही है, जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लही है। सात संगत इतिहास तुसी सबका मेरे प्यारे वीर ज्ञानी बलवीर सिंह जी पार साहब ढाडियों पासों सुनने, दिल्ली का चाननी चौंक जिहड़ा ना लाल किले के बिल्कुल सामने है, जिन्हें नहीं सी वेख्या लाल किला वह भी पिछे जा वेख लिया तुसी। वो चौंक विच सरकारी खर्चे ते तेल पा के दीवे जगते सी, सारा ही चौंक जिहड़ा सी चानण नाल भर जांदा सी। लाल किले चों राजियां दियां राणियां, पटराणियां, राजकुमार, राजकुमारियां, राजियां दा परिवार चौंक च बहिंदा सी, दुनिया वेखण नूं तरसदी सी, दुनिया वेखण आउंदी सी वी कोई चानण नाल भरिया चौंक है, चाननी चौंक उहदा नाम रख्या सी चाननी चौंक। पर वह दीव्यां दा तेल कुछ घंटिआं बाद सड़ जांदा सी, वह दीवे कुछ घंटिआं बाद तेल मुक्कण तों बाद बत्तियां सड़ गईआं, दीवे बुझ जांदे सी, चाननी चौंक फिर हनेरे नाल भर जांदा सी। पर एक वक्त आया जिदन 1675 ईस्वी नूं उस चौंक विच चौहां खुंजियां विच चार शहादतां होईयां, शहादत दे ऐसे दीवे उस चौंक विच जगे। साध संगत अज उह दीवियां दी चाननी करके चाननी चौंक नहीं, अज उह धन गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत करके चाननी चौंक है। एक विद्वान लिखदा है कहिंदा अज भी दिल्ली दे चाननी चौंक अंदर, अज भी दिल्ली दे चाननी चौंक अंदर लोकी रोज ओदियां गल्लां विच रुझ जांदे,
ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਦੀਵੇ ਚਾਨਣੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਚੌਂਕ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਚੌਂਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰੀਏ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਸਾਲ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਸੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਦੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਦੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੱਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਲਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂਹੀਓ ਲੋਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਮਨਾ, ਇਹ ਸਰਸਵਤੀ, ਇਹ ਗੋਦਾਵਰੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚਾਹੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ, ਰਹਿਓ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੋਭਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਡਿਆਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਾਮੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰਹੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੱਚ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਪੇ ਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ
कि इस धरती ते मायाधारी की शोभा नहीं हुंदी, माया की शोभा हुंदी है भाई, मायाधारियां की वड्याई हुंदी है, पर वो बहुती देर नहीं रहिंदी, चौंक दिनां दी शोभा है, शरीर विच रहिंदे कई बार मुक जांदी है। इहनू महाराज ने बाणी अंदर कहा, इस जुग में शोभा नाम की, पढ़ो, इस जुग में शोभा नाम की, बिन नावे शोभना होए। भाई नाम तो बगैर नहीं शोभा सदा रहिंदी। महाराज जिहड़ी माया की शोभा राजयां की वड्याई, तां फिर हजूर ने बचन कहे, कहिंदे माया की शोभा चार दिहाड़े जांदी बिलम ना होए। भाई ये माया धारियां दी चार क दिन दी शोभा है, जान लग्या पता नहीं लगती किधर उड़ जांदी। कई बार शरीर विच रहिंदे वड्याई मुक जांदी है। मैं बहुत बार तुहाडे चरणां विच बेनती रखी, वह बंदे जिउंदे ने और तुहाडा तजर्बा होएगा इस गल दा, जिन्हां बंदियां नूं वड्याई मिली कि यह बंदा मिनिस्टर है और बई भी वाई वाई पिंडां दीआं पंचायतां सवेरे दिन चढ़दे उन्हां कोल कम करवाउण आउंदियां सी, साध संगत उन्हां दीआं कोठियां वे ढाई ढाई सौ कुर्सी बंदियां दी भर जांदी सी कम करवाउण वालियां दी। अज उह बंदे शरीर विच जिउंदे ने, कुर्सियां ते मिट्टी जम गई, एक भी बंदा कम करवाउण नहीं जांदा, क्यों? शरीर विच जिउंदे ने, वड्याई खत्म हो गई। कुछ साल पहला वड्याई सी, अज वड्याई नहीं है। राजियां दी शोभा मुक जांदी है, गुरु ते रब दी वड्याई सदा रहिंदी है। साध संगत और अगली गल सुनियो, आपां वड्याई पूरी नहीं कर सकदे कदे। कोई कवे जी इन्ने सौ साल गुजर गए ने, श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जीआं दा शहीदी दिहाड़ा मनाउंदिआं तकरीबन साढ़े तीन सौ साल गुजर गया। आज जिहड़ा हुण 2025 आउणा है, इहदे विच साध संगत साढ़े तीन सौ साल हो जाणगे गुरु तेग बहादुर महाराज। साढ़े तीन सौ साल शहादत दे गुजर गए ने, गुरु तेग बहादुर महाराज जीआं दी वड्याई कोई मुकम्मल नहीं कर सकिया, पूरी नहीं कर सकिया, क्यों? वह वड्याई कदे पूरी हो नहीं सकती। फिर साध संगत सवाल पैदा होंदा है, जे वड्याई पूरी हो नहीं सकती फिर कर क्यों रहे हैं? आपां नूं फायदा पता की है? आकाश विच पंछी उडारियां मार के आकाश का आनंद ले सकता उड़न का, पर कोई पंछी आसमान का अंत नहीं पा सकता। आकाश कितों तक उच्च है, वह खुले आसमान विच उड़न का आनंद माण सकता है। आसमान का अंत पाउणा पंछी दे वस की गल नहीं है। किसी सागर समुंदर विच मच्छी तैर के आनंद माण सकती है, पर समुंदर की तह तक का अंत पाउणा मच्छी दे वस की गल नहीं। इदां गुरु की वड्याई करके आपां जन्म सफल कर सकते हैं, पर गुरु की वड्याई का अंत नहीं पाया जा सकता। अंत न सिफती कहन न अंत, अंत न करने देन न अंत, अंत न वेखण सुन न अंत, अंत न जापै क्या मन मंत। किसी मंत्र नाल भी गुरु दे वड्याई दा शोभा दा अंत नहीं पाया जा सकता। इसलिए गुरु ले कहना पैंदा, तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहां, जह जह देखा तह तह तू ही तुझ ते निकसी फूट मरा। हाँ वाहगुरु, मच्छी पानी दा अंत नहीं पा सकती, पर मच्छी पानी तो बाहर आ जाए तो मर जाती है। इदां सिख गुरु की वड्याई का अंत नहीं पा सकता। वड्याई करनी छड़दा तो उहदा जन्म करके आत्मक तौर पर मौत हो जाएगी। इसलिए आपां गुरु की वड्याई करनी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे सलोक तो मैं अगे तुरना है, ध्यान नाल सुनियो। एक बार मेरा मन करदा है तुसीं श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे चरणां दा ध्यान धरो। जिस गुरु नूं सिमरियां घर विच नौ निद्दां आ जांदियां ने, जिस गुरु नूं सिमरियां साध संगत जिथे याद करो गुरु तेग बहादुर महाराज सहाई हुंदे ने। कल्ला बाहरला मक्खन शाह लवाने दा डुबदा बेड़ा पार नहीं लाउंदे। उह सिखा तूं चित जोड़ के गुरु तेग बहादुर साहब नूं सिमर के वेख, तेरे ये जन्मां जन्मां दा डुबिया बेड़ा भी गुरु पार लंघा देगा। तूं जन्मां जन्मांतरां तों विकारां विच गोते खा रहे हैं, जा धन गुरु तेग बहादुर साहब नूं सिमर, तैनू गुरु तेग बहादुर साहब हर थां ते सहायता देणगे। ये श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अरदास विच लिखे। और आपां एक बार ध्यान धर के कहीए,
तेग बहादुर सिमरे तेग बहादुर सिमरे तेग बहादुर गज के तेग कर नौन दियावे ताए तेग बहादुर सिमरे तेग बहादुर सिमरे कर नौन दियावे तेग गुरु तेग बहादुर सब ताई होए सहाए तेग बहादुर सिमरे तेग बहादुर सिमरे सब ताई होए गुरु तेग बहादुर तेग सर जप्यो धन गुरु तेग बहादुर साहिब धन गुरु तेग बहादुर साहिब धन गुरु सिमरो सिमरो धन गुरु तेग बहादुर साहिब धन गुरु तेग बहादुर साहिब धन गुरु तेग बहादुर वाह वाह धन गुरु तेग बहादुर साहिब धन गुरु तेग बहादुर साहिब धन गुरु धन गुरु धन गुरु तेग बहादुर साहिब धन गुरु तेग बहादुर साहिब धन गुरु तेग सब थाई होए सहाए तेग बहादुर सिमरे तेग बहादुर सिमरे सब ताई तेग बहादुर आखो सतनाम श्री फिर आखो जी सतनाम श्री फिर आखो जी सतनाम श्री श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का एक श्लोक मैं तुहाडे नाल होर सांझा करां। पातशाह ने बचन कहे पहला बचपन की उम्र शुरू होंदी है फिर जवानी शुरू होंदी। जदों बंदा बचपन विच है आपां सारे इन्हां उमरां चों लंघे हां तुहाडा ध्यान होएगा। जिन्नी देर बचपन की 12-14 साल तक की बालपन उम्र बतीत करदा है बालपन बचपन विच बंदा जवानी दे सुपने लैंदा। बचपन विच बंदा कहेगा जदों वह बच्चे की निहाई बालपन विच है वह कहेगा वड्डा होके मैं भी आ मोटरसाइकिल लेना है वड्डा होके मैं भी आ कार लेनी है वड्डा होके मैं भी इदां दा घर बनाउणा है। वह बचपन विच बालपन विच जवानी दे सुपने वेखदा और जदों जोवन जवानी विच आउंदा तां साध संगत ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨਾ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਨਿਭਣ ਆਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਿਆਂ ਵਿਆਹੁੰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ माफ करो बुढ़ेपे तो अगे सोचना बंद कर दिता फिर पिछे नू सोचना शुरू कर दिया। बचपन विच हुंदा है अगे जवानी वाल सोचदा जवानी विच हुंदा है बुढ़ेपे बारे सोचदा मैं बुढ़ेपे बारे कुछ बुढ़ेपे लिए रख ला भाई और जदों बच्चियां नू जमीन वंडदा पहला अपने नाम रखदा बुढ़े वेले कम आएगी जी
चार पैसे अपने नाम से FDR रख दे, मेरे बुढ़ेपे विच कम आउणगे। जिहड़ी चीज पुत्तां धीआं नूं वंडदा बणाउंदा उहनां वास्ते है, फिर भी बुढ़ेपे लई सामद है, पर जदों बुढ़ेपन बुढ़ेपे विच प्रवेश करदा है, बुढ़ेपे तों अगे सोचना बंद कर दिंदा है, फिर वह पिछे वल सोचदा है, जदों असीं बचपन विच हुंदे सी, जदों आपां जवानी च हुंदे सी आह कीता, जदों मैं जवान हुंदा सी मैं आह कम कीता। साध संगत वह फिर पिछे दीआं कहानियां पाउंदा, बुढ़ेपे तों अगे नहीं सोचदा। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने श्लोक कहा है, कहने भाई बचपन सी जवानी की आस सी कि जवानी आनी है, जोवन जवानी वैसी तेन आस है, अजे कड़ा बुढ़े हो गए हैं, अजे बुढ़ेपे विच आने। अच्छा माफ करो, बहुते बंदे ने जो उन्होंने कहो ना भी हुण गुरुद्वारे आया करो, अमृत छक लो छो, पर कहते अजे कड़ा बुढ़े हो गए। बंदा बुढ़ेपा पता किनू समझदा, जिदन वो गोडे रह जान, अखा रह जान, लेंज पै जान, जिदन शुगर ते दो तीन बीमारियां हो जान, फिर कहना मैं बुढ़ा हो गया। अदरवाइज ये चिट्टियां नू काले करके भी बुढ़ेपा छुपाउंदा रहिंदा, अजे किहड़ा बुढ़े हो गए। साध संगत गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पढ़ो, पातशाह कहिंदे दस बाल तन वीस रवण तीसा का सुंदर कहावे, चालीस पुर होए, चालीस साल तक बंदे की उम्र पूरी है, पचासी पग खिसे, जदों पंजाह साल का होंदे पैर खिसकन लग पैंदे ने, यह निशानी है। जिहड़ा जवानी विच कदे पैर डग मंगाउंदा नहीं, कदे फिसलदा नहीं, कदे ठोकर नहीं खांदा, पंजाह साल की उम्र कितें ना कितें ठोकर वजन लग पैंदी। पंजाह साल की उम्र विच उच्चा नीवा पैर रख होण लग पैंदा, पर बंदा फिर भी बुढ़ेपा समझदा नहीं। पचासी पग खिसे सठी के बुढ़ेपा आवे, सठ साल की उम्र नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने कहा बुढ़ेपा आ गया। सत्तर का मतहीन, सत्तर साल का हो जाए उहदे पुत नौहां परिवार वाले कहण लग पैंदे ने, बापू तू चुप कर, तैनू नहीं पता, जिन्हें सब कुछ बनाया, सब कुछ बच्चों नूं पालिया, व्याहिया, वड्डे कीता, घर बनाया, सत्तर साल की उम्र विच, ये अपने सारिआं नाल होणा है जी, सत्तर साल की उम्र विच पुत नौहां वड्डे छोटे सब तुहानूं कहणगे बस बापू तूं उहनां विच बोलिया कर, तैनू नहीं पता किहड़ी गल चलदी है, बीबी तूं उहनां विच बोल, हुण जमाना बदल गया, साडी गल नूं मन्नणगे नहीं बच्चे, क्यों? सत्तर का मतहीन, अस्सियां का व्यवहार ना पावे। जदों उम्र अस्सी साल की हो जाती है उदों पातशाह की बाणी ने कहा है, वह दुनिया के लोगों फिर तुहानू रिश्ते कारोबार विच कोई नहीं लैके जाता, रिश्तेदारी च व्याह शादी होवे, अस्सियां सालां दे बजुर्ग नूं कहणगे तू उत्थे की करना है, बापू उत्थे डीजे बहुत चलता होना है, फिर तेरा दिल कंबन लग जाना है, रहण दे तू उत्थे की करना है। अस्सी साल के बंदे नूं विहार विच नहीं कोई लैके जाता, अस्सियां का व्यवहार ना पावे, नब्बे का से जसनी मूल ना जाने अप वल, टंडोलम टुंडम डिठ में नानक जग तुए का तवल हर। बस इत्थे कहानी मुक जाती है, पर एक बेनती होर समझो, जिहड़ा गुरु दे लड़ लग के नाम जपन लग पैंदा वो सत्तर साल का भी उन्हों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने बुढ़ा नहीं कहा, गुरमुख बुढ़े कदे नहीं, जिन्हां अंतर सुरत ज्ञान वह सत्तर अस्सी साल की उम्र विच भी सेवा कमाते हैं। बाबा अमरदास साहब सठ साल की उम्र च सेवा करन आए से, बारह साल गागर टोई, बहत्तर साल की उम्र च गुरु बने गुरु अमरदास महाराज, बई साल गुरता गद्दी ते रहे, चुरानवे साल की उम्र तक गुरता गद्दी ते मौजूद रहे गुरु अमरदास महाराज, अठानवे साल की उम्र में बाबा बुढ़ा साहब नूं श्री दरबार साहब का गुरु अर्जन देव महाराज ने ग्रंथी नियुक्त किया। साध संगत 98 ईयर ओल्ड, अठानवे साल की उम्र में धन बाबा बुढ़ा साहब गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करते हैं। पर साध संगत ये तां होणा है जे कोई उम्र रहिंदिआं रब वल दे पासे तुर पए, जे कवे अजे किहड़ा बुढ़े हो गए, जिदन अखां दे लेंज पै जाण, गोडे रह जाण, शुगर हो जाए, फिर कवे हुण अमृत छक लईए, फिर नहीं उह गल बणेगी। शरीर विच रहिंदिआं शरीर साध के तप करो, कदे निठ के बंदा साध संगत दो चार दिन निठ के दो चार घंटे कढ के बंदगी करके वेखे, तुहानूं नाम दे रस दा पता लग जाएगा। साडी कहानी कुछ होर है, असीं अज इत्थे कल उत्थे परसों उत्थे, तुसीं गृहस्थी बंदे जिन्हां दा कम पक्का है
अपने घर विच जगह ते टाइम पक्का कर सकते हो नाम जपन लई। अद्धा घंटा भी कोई घर विच नाम जपन दी जगह ते टाइम पक्का कर ले, उन्हूं नाम दी शक्ति दा पता लग जाएगा। उन्हूं फिर पातशाह ने कहा गुरमुख बुढ़े कदे ना आए, नाम उन्हूं बुढ़ा नहीं होन देगा। ये लोगों नूं भुलेख है कि शायद चंगी खुराक खाओ फिर नहीं बंदा बुढ़ा हुंदा। नाम इको ताकत है जिहड़ी तुहाडे शरीर की अवस्था तो 60-70-80 साल का शरीर बिरध बहाल चिट्टे होणगे, पर सजणों अंदरों तुहानूं गुरु अंदरों ते बाहरों अरोग रखदा है। जिहड़ा नाम जपदा ना उहदे अंदर चिंता रहिंदी ना बाहर शरीर की चिंता रहिंदी, उहदे दोवां थावां की जिम्मेवारी गुरु लैंदा है। दोवें थाव रखे गुर सूरे, गुरु सूरमा दोवें थां ते उहदी रख्या करदा है। लोक सुखीए पर लोक सोहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। इनू महाराज ने कहा सोए जाग चिंता, सोए अचिंता जाग चिंता, जहां कहां प्रभ तू बरतनता, घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। हुण श्री गुरु तेग बहादुर महाराज की कहिंदे, कहिंदे बचपन सी चल जवानी दी आस सी, जवानी आउणी है अजे, जवानी सी ते बुढ़ेपे दी आस सी, अजे कड़ा बुढ़े हो गए। कहिंदे बुढ़ेपे की आस विच कम करदा रहा, वह भलिया जिदन हुण बुढ़ा हो गया, हुण तैनू पिछे नू सोचण दी गल छड़, तू अगे सोचना शुरू कर। क्यों? बचपन तो बाद जवानी आनी सी, जवानी तो बाद बुढ़ेपा आना सी, बुढ़ेपे तो बाद हुण कुछ नहीं आना, इको चीज आनी है, वह पता की? उहनू पातशाह ने कहा काल आना है। बुढ़ेपे तो बाद मौत ही आनी है, होर नहीं कुछ भी आना। वह किसी दिन भी काल दरवाजा खड़का सकता है, किसी बहाने भी काल दरवाजा खड़का देगा। बुढ़ेपे तो बाद हुण जवानी वापस नहीं आनी, बुढ़ेपे तो बाद बचपन वापस नहीं आएगा। तू सोचता जरूर है पर सजना आना वापस नहीं, इको चीज आनी बुढ़ेपे तो बाद एक दिन मौत आनी है। काल आने तो पहला जे अकाल पुरख नूं जपन लग जाए फिर जन्म सफल हो जाएगा। एक बार आखो सतनाम श्री। बुढ़ेपे तो बाद मौत आनी है और काल आने तो पहला काल पुरख नूं सिमर जा तेरा जन्म सफल हो जाएगा। पातशाह ने सानू बावरे कह के प्यार नाल संबोधन करके क्या ओ मना बावरे पागल मना, बुढ़ेपे तो बाद हुण की आना है, मौत ही आनी है। मौत आने तो पहला पहला रब नूं जप ला, काल आने तो पहला काल पुरख नूं जप। और हजूर ने फिर सीधे शब्दों में कहा भी तैनू समझ नहीं आती, जिवें कोई बजुर्ग किसी बच्चे नूं समझाउंदा है ना, एक बार दो बार चार बार टीचर समझाउंदा है, पंजवीं बार वह फिर कहिंदा तैनू समझ नहीं आ रही। इदां श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਵਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਸਲੋਕ ਪੜਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਦ ਭੈਓ ਸੁਜੈ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੀ ਆਉਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, अज आ जाए कल आ जाए दसां सालां नूं आ जाए पंद्रह नूं आ जाए वीहां नूं आ जाए इन्हें आ जाने, वह मौत आने तो पहला पहला जप ला सतनाम श्री। पढ़ो विरद पयो सूझे नहीं काल पहुंचो आन, कहने मौत आ जानी है नेड़े। विरद पयो सूझे नहीं काल पहुंचो आन, कहो नानक नर बाबरे क्यों ना बजे भगवान। ओ पागल बंदिया क्यों नहीं हुण वाहेगुरु जपदा, शरीर बुढ़ा हो गया है, केड़े कलेसां च पिया, हुण जप लिया कर सतनाम श्री। कहो नानक नर बाबरे क्यों ना बजे भगवान, हुण क्यों नहीं वाहेगुरु जपदा। सत संगत पातशाह ने जीवन की असलीयत दसी और जिन्होंने जीवन की असलीयत समझ पै गई वह बंदिया ने अपना वक्त जाया नहीं गवाया, उन्हीं वहर विरोध काम क्रोध मोह उमर नहीं बतीत की, बच्चे व्याहे कार्य सवार रब वल दे पासे तुर पाए। सात संगत वह परिवार कारोबार विच रहिंदिया नाल नाल जपन लग पे सतनाम श्री वाहिगुरु। देखो एक बेनती समझो,
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ ਹੋਣ, ਏ ਟੀ ਐੱਮ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਧਨ ਦੌਲਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪਦਾਰਥ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਬੋਲਣਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਏ, ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਜਪ ਲਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਲੜੀ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਮਗਰ ਢਾਡੀ ਜਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਾਂਗਾ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਸਰਾਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਸਰਾਮ ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਔਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਉਹ ਸਸਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ। ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਘੱਲਦਾ। ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁੰਡੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਭੇਜਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਣ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੇਟ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉੱਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਹੀ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਪਏ। ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਤਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਗੇਟ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੇਟ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੇਟ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਚਾਚੇ ਫੱਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਘੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੱਤਵੇ ਸਿਮਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਘੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੇਹ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇਰਾ ਨੇਹ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਅਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਇੰਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੋਹਰਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੋਹਰਿਓਂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੈਲੀਪੈਥੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਕ। ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖਾ ਚਿੱਤ ਵੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿਮਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੰਜ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੁੰਜਾਂ ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਲੰਬੀ ਉਡਾਰੀ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਲਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਆਪ ਚੁਗਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੰਜਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂੰਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਜਣੋ, ਕੂੰਜ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੂੰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਉਡੇ ਉਡਾਵੇ ਸੈ ਕੋਸਾ, ਪੜੋ, ਉਡੇ ਉਡਾਵੇ ਸੈ, ਗੱਜ ਕੇ, ਉਡੇ ਉਡਾਵੇ ਸੈ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਸ਼ੇ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ, ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖੁਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚੁਕਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਕੂੰਜ ਵਰਗਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਵੇ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ। ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭੋਜਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਵੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾ ਸਿਮਰਨ ਤੂੰ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਚਾਚੇ ਫੱਗੂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ 40-45 ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਚਾਚੇ ਫੱਗੂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, 40 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੌਣ ਆਏ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਚੇ ਫੱਗੂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਰਕਾਬ 'ਚ ਟਿਕੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਘੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖ ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜਾ ਡਾਹ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੇ ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਚਾ ਫੱਗੋ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ, ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਭੇਟਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਗੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੁੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਭੇਂਟ ਕਰਾਂਗਾ।
संगत दियां पिटावां थैलियां च पा के लिखिया सी आ फलाने पिंड की माया है, आ फलाने सिख की माया है, आ फलाने पिंड दे फलाने सिख की माया है। जदों सारियां थैलियां गुरु तेग बहादुर साहब नूं भेंट कीतियां, श्री गुरु तेग बहादुर महाराज बोले, कहिंदे भाई फगो तेरे वल साडी भेटा रहिंदी है, होर हाथ जोड़ के कहा चिट्टा दाड़ है इन्ने दहाकियां तो मैं सेवा कर रहा है। हाथ जोड़ के नहीं महाराज, मैं जिन्नी भेटा सी संगत दी तुहानूं भेंट कर दित्ती है। पातशाह ने फिर कहा, कहणगे नहीं फगो तेरे वल भेटा रहिंदी है। पहली वार भाई फगो ने कहा महाराज सारी भेटा मैं दे दित्ती, दूजी वार जदों गुरु ने कहा नहीं तेरे वल भेटा रहिंदी है, परत के भाई फगू चाचा फगू चुप कर गया। पता क्यों? अंदरों मन चो आवाज आई, ओ मन तू गलत हो सकने, तेरा गुरु नहीं गलत हो सकता, तेनू भेटा देनी भुल सकती है पर तेरा गुरु नहीं भुल सकता। क्यों? भुलन अंदर सब को अपुल गुरु करतार, गुरु कदे भुल नहीं करता। अपने मन नू चुप कर गया, हाथ जोड़ के कहा महाराज भुलन हार हां, जे भुल गया होवां ते याद करा दिओ। महाराज भुलन हार हां जे भुल गए हो ते याद करा दिओ। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज बोले सारियां दी भेटा दे दित्ती है। कहिंदे हां महाराज, कहणगे किसे दी भेटा रहिंदी है भाई तेरे वल? कहिंदे महाराज याद करा दिओ। धन गुरु तेग बहादुर महाराज बोले, कहिंदे एक गरीब निरधन सिख दे घर तों भेटा मंगण गया सी, याद कर। एक नहीं कई साल गुजर गए ने जदों वह गरीब निरधन किरती सिख दे घर गया, वह दोवे सिख सिखनी आपस में माड़ा मोटा गुस्से राजी होए सी। उहदे घर वाला सिख घर में माड़ा मोटा गुस्से राजी होकर घरों कम से चला गया, घरवाली अजे गुस्से में सी, बेड़े में झाड़ू ला रही सी। तू जाके दरवाजा खड़का के कहा भाई गुरु वाले हो, गुरु की कार भेटा होवे तां दे दिओ। हुण सुन के भाई फग्गू दियां अखां चो जल करन लग पिया, वाह सतगुरा केड़ी घटना याद कराउण लगे जिहड़ी मैनू कदे भुलेगी नहीं। जदों आवाज दे के कहा पातशाह, कहिंदे दस फिर अगे की होया? कहिंदे महाराज मैं दरवाजा खड़का के कहा गुरु वाले हो कोई गुरु की भेटा देनी होवे। अगों झाड़ू फेरन वाली वह गरीबनी सिखनी ने कहा बाबा अज भेटा नहीं है कोई साढ़े घर। कहने मैं फिर दोहरा के कहा भाई फिर वार वार गेड़ा नहीं बजदा, होरां पिंडां वे जाना हुंदा, जिन्नी क है जे कोई है भेटा दे दिओ। कहने जदों दूजी बार मंगया वह बेचारी पता नहीं गुस्से वे सी, झाड़ू लाउंदिआं उहने वह कूड़ा कट्ठा कीता बुक भर के, ते कूड़ा कट्ठा कट्ठा करके कहनी लै बाबा झोली कर फिर भेटा दऊ। उहने कूड़े का बुक भर के वेहड़े च झाड़ू फेरिया होया, कूड़े का बुक भर के मेरी झोली च पा। कहने पातशाह मैनू गुस्सा नहीं लगा उस वक्त, तुहाडी कृपा नजर होई मेरे मन च गुस्सा ना आया, मैं वह झोली च पवाया कूड़ा उस तरह गठ बन ली। ये भी गुरु के सिखां दे घर दी भेटा है, तो लिया के महाराज कूड़ा थोड़ी हुण तुहानू भेजना सी, वह कूड़ा लिया के मैं अपने वेहड़े में ढेरी कर दिता, वह कूड़ा लिया के मैं अपने वेहड़े में ढेरी कर दिता। सतसंगत एक बेनती होर समझो, गृहस्थी सिख होवे घर विच बहुती वार मियाँ बीबी पति पत्नी की नोक झोक हुंदी है, पर याद रखियो जिथे नाम जपया जा रहा उत्थे कलेश कोई भयानक रूप नहीं लेगा। उन्हां दे घर विच क्रोध कलेश आएगा जरूर पर कुछ विगाड़ेगा नहीं, ते जिथे नाम नहीं जप हो रहा उत्थे कल कलेश घरां नूं तोड़ के रख दिंदा। अपने घरां विच नाम जपो, ये जरूरी नहीं कि जिहड़े बाणी पढ़ते उन्होंने घर च कदे लड़ाई झगड़ा नहीं हुंदा, झगड़े हुंदे ने भाई, नाम जपण वालियां विच भी नोक झोक होएगी पर उन्हां दा क्रोध उन्हां दे घर नूं नहीं तोड़ सकदा। मनमुखां दे घर दा क्रोध घरां नूं तोड़ दिंदा, गुरमुखां दे घर दा क्रोध वह कदे गुस्सा घर नूं नहीं तोड़ सकेगा। क्यों? गुस्से का असर तसीर अंदरों नाम नाल बदल जाती है, जिथे नाम जपया जाएगा उत्थे तसीर बदल जाती है। सूरज की तपश सारी धरती ते को दे पैंदी है, पर सज्जनों जिथे दरखत की छां होवे उहदे थले खलो के वेखियो तुहानू हवा ठंडी लगती है, वगदी हुई हवा सूरज की तपश नाल गर्म है,
पर दरखत की छावे खलो जाओ हवा ठंडी लगती है। ऐदां कल कलेश पूरी दुनिया में है, जिथे नाम की छाया है उत्थे गर्म हवा भी ठंडी हो जाती। अपने घर नाम जरूर जपो। वह भाई फग्गू ने बेनती की, महाराज कूड़ा तो लिया के मैं विड़े च रख दिता। पातशाह ने कहा वह भेटा सी भाई साढ़ी। कहने महाराज कूड़ा थोड़ी तुहानू भेजना सी। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज बोले, कहिंदे भाई फग्गू जिहड़ा कूड़ा तू लिया के विड़े च रखे, थोड़े दिन बाद मीह बारिश होई तेरे विड़े विच मीह पै गया, वह कूड़ा मिट्टी विच दब गया, ते तैनू पता है ओ तेरे खुले बेड़े विच जिहड़ी बेरी बेरा नाल लदी होई है सचो सच दस तू बीजी है कि किने लाई है। कहिंदे महाराज मैं लाई नहीं, आपे हो गई। कहन लगे आपे नहीं होई, जेडे सिख दे घर वाली सिखनी ने कूड़ा तेरी झोली पाया सी उस कूड़े विच इक बेर दी गिटक सी, जो तू वेड़े च लिया के रखी मीह पैण तो बाद वो गिटक जम गई, अज तेरे वेड़े विच बेरा नाल लदी होई बेरी। ये गुरु तेग बहादुर महाराज दे घर दी भेटा है। हाथ जोड़ के चरना चुग गया, रो पिया, महाराज तू गुरसिखां दे घर दा कूड़ा भी भेटा समझ के प्रवान कर लैना, क्योंकि यह गुरु के घर की वड्याई है। भावनी भगत पाहे कौडी, अगर भाग रखे ताहे गुर सरबन धान दान देत है। एक कौडी भी कोई सिख चढ़ा दे वह व्यर्थ नहीं जाएगी। क्यों साध संगत, गुरु की वड्याई है। सिखां दे घर की एक अन्ने की सेवा भी कदे व्यर्थ नहीं जाती। ताइयों ये गुरु के घर की वड्याई रही है। सिखां दी भेटा नूं माण मिलदा है। साध संगत अज जदों तुसीं कदे पटना साहब जाओ उत्थों ससराम जाके वेख्यो, वह गुरद्वारा बनिया होया, बेरी अज भी उत्थे बेरा नाल लदी है। और उत्थों की संगत कई बार वेर तोड़ के लिया के श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के स्थान जिथे तख्त श्री पटना साहब है उत्थे लिया के भेंट करती है वह संगत बेर उत्थे। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह ने जिथे चाचे फग्गू की सेवा नूं भाग लाया उत्थे यह भी दस्या, उह सिखो भावना नाल जे बाणी पढ़ोगे नाम जपोगे तुहाडे घर की तुश तो तुश भेटा भी प्रवान है। जिस घर में सिखी नहीं उत्थों का करोड़ों रुपया भी कदे प्रवान नहीं होंगे। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जिया ने जदों श्री आनंदपुर साहब नगर वसाया ना, जिथे अपां कथा कल छड़ी सी, एक कहलूर दी रियासत दे राजे दी जगह सी। तुहाडे ज्ञात वास्ते कह दां, छेवें पातशाह ने 52 राजियां नूं याद कराया। उन्हां च राजा सी राजा तारा चंद। जे कोई तुहानूं पुछे जी कल्ले राजियां नूं क्यों याद कराया, होर बंदे नहीं सी उस कैद विच, तां इह इतिहास विच लिखिया होया है ग्वालियर दे किले विच कल्ले राजनीतक लोक ही कैद किए जाते सन। वह बाही धार ने राजियों चो 52 राजे राजनीतक से जिड़े विरोध ना पैदा कर उन्होंने कैद किया हो। राजा तारा चंद आजाद होया, कहलूर रियासत का वह राजा से। राजा तारा चंद का पुत्र होया दीप चंद, दीप चंद का पुत्र भीम चंद, भीम चंद का पुत्र अजमेर चंद। ये भीम चंद अजमेर चंद दसवें पातशाह भी लड़ते रहे। जदों गुरु तेग बहादुर महाराज पहुंचे उदों राजा दीप चंद की मां भाव तारा चंद की पत्नी बिरध अवस्था में जीती सी। उन्हें श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ने कहा, महाराज असी जमीन भेटा करनी है। पातशाह ने कहा असी नगर वसाने पर दान विच ये जमीन नहीं लैनी है, पैसे तार के मुल लेनी है। पता क्यों? ये गुरु का घर बनना है, इत्थे राजियां दी दित्तियां जमीना उत्ते नगर नहीं उसारिया जाएगा। एक तुहाडे होर जिंदगी विच गल कम आएगी, सिख कौम ने कदे किसी हकूमत कोलों खरात विच कोई चीज लैके नहीं स्थान बनाया। जदों बनाउणगे सिखां दे दसवंद नाल दसां नौहां दी किरत नाल स्थान बनेगा, कदे सरकार दीयां ग्रंटां लैके नहीं। ये सिखी का इतिहास रहा, दसवें पातशाह ने मुल जगह खरीद के नगर वसाया। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने मुल जगह खरीद के नगर वसाया। जिस भी गुरु सहमान ने जगह ली वह मुल खरीद के नगर वसाते स्थान बनाते रहे। क्यों? भाई किसी की दिती हुई जगह जमीन उत्ते कई बार वह बंदे दावा कर लेंगे ने, गुरु के घर उत्ते संगत की माया लगनी चाहिए। एक चीज़ तो तुम वेखी होगी, 1984 श्री अकाल तख्त साहब हुकूमत ने ढह ढेरी किया, उस तो बाद 1984 तो बाद उस वक्त
हिंदुस्तान की हुकूमत ने निहंग बाबा संता सिंह जी नू मोहरे सेवा दे के सरकारी पैसे दे के जिन्ना काल तख्त ढाया द्वारा बना देंगे, सिखो तुहाडा काल तख्त असीं द्वारा बना देंगे। हिंदुस्तान की हुकूमत ने पैसे ला के बाबा संता सिंह जी नू मोहरे करके अकाल तख्त की बिल्डिंग द्वारा बनाई, जिहड़ी संत बाबा जरनैल सिंह जी की शहादत वेले 1984 ढाई गई सी। जदों बाद में सरबत खालसा 1986 इकट्ठा होया, सरबत खालसा 1986 इकत्र होया, उदों सब तो पहला फैसला पता की लिया, सरकार दे पैसों नाल बनिया अकाल तख्त सिखां नू नहीं चाहीदा, सरकार दे पैसे नाल बनिया अकाल तख्त सिखां दे हक च फैसला कदे नहीं करेगा। इसलिए पहला फैसला सरबत खालसे दा यह होया अकाल तख्त की इमारत द्वारा ढाई जाएगी और संगत दे पैसे नाल द्वारा बनाई जाएगी। 1986 में सिखां ने आप अकाल तख्त ढाया, फिर वह इमारत संगत दे एक एक पैसे नाल चादर विछा के द्वारा अकाल तख्त साहब की इमारत बनी। क्यों? गुरु दे अस्थान कदे सरकार दीयां ग्रंटां नाल नहीं बनने चाहिए, वह दसां नौहां की किरत नाल बनने चाहिए ने। जदों धर्म की किरत चों अस्थान बनेगा उत्थों धर्म की गल होएगी, जदों बेईमानी दे पैसे नाल चीज़ बनेगी उत्थों बेईमानी की महक आएगी। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ने नगर वसाया, वह जोगियों का जिहड़ा सरमौर बंदा पहाड़ तो उतरिया उहदा इतिहास विच नाम साह संगत मौले शाह लिखिया होया है। ये पहला मुसलमान रहा, फिर योग मत धारण किया, बाद विच इन्हें फिर मुसलमान हो गया, जोगियों को रह के रिधियां सिधियां सिखियां। अज जदों मौले शाह अपने नाल दे बंदगी वाले दरवेश जोगियों नाल वापस आया, इन्हें भाई दयाले नूं पुछया ये नगर कौन वसा रहा है? आख्या श्री गुरु तेग बहादुर साहब। उन्हें कहा गुरु नूं की लोड़ है नगर वसाउण दी, गुरु नूं नगर महल वसाउण दी की लोड़ है? आपे ही तां गुरु तेग बहादुर महाराज कहिंदे ने कि ये जग रचना सब झूठ है, जान लिहो रे मीत। फिर जे जग रचना झूठ है तो महल क्यों बना रहे ने? भाई दयालदास जी चुप कर गए, कहिंदे ना जवाब तो गुरु साहब ही दे सकते ने, जिस गुरु ने नगर वसाउणा शुरू किया महल बनाए उहीओ जवाब देणगे। मौले शाह जोगियों नूं नाल लैके पहुँच गया, श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ने कहा जल पानी प्रशादा छको, रात रहो, सवेरे तुहानूं जवाब देवांगे।